राहुल गांधी और आप सांसद संजय सिंह ने कन्नौज में इंडिया गठबंधन की संयुक्त सभा की और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है और यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आगे से आना पड़ेगा। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है।